हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजला ड्रेस डिजाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाइट ड्रेस, जो कि 8 से 9 साल की बेबी गर्ल के लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने 2 मीटर का पीस लिया है फ्रेंड्स, और हम इसकी सबसे पहले हम टॉप के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड पे रखा हुआ है इस तरह से, और इसकी चौड़ाई हमने रखी है, देखिए फ्रेंड्स, 12 इंच इस तरह से, और इसकी लेंथ हमको लेना है 26। टॉप की जो लंबाई तैयार आने वाली है, तो इसको हमने लिया है 28 पे, यहाँ से मार्क किया है, देखिए फ्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 28 पर है। बेबी का शोल्डर 11 इंच है, तो ये 11 इंच का हाफ लिया है हमने, 5.5 इंच, 5.5 इंच इस तरह से लिया है, और आधा इंच बढ़ाकर ये हमने 6 इंच लिया है। और इसके बाद यहाँ से चेस्ट जितना भी है बेबी का, उसका 4th पार्ट लेके हम उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, तो ये इस तरह से हमने 8 इंच लिया है, देखिए। और यहीं से मेजर टेप रखना है आपने, और ये वाले कॉर्नर पर मिला देना है। इसमें आपको वेस्ट और सीट की जो है मेजरमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ए लाइन जिस तरह से कटिंग होता है, बस इस तरह से रख के आपको ये मिला देना है। और यहाँ से शोल्डर कैसे लेना है, इन दोनों के बीच का सेंटर लेना है, इस तरह से सेंटर लिया, और बस इसको आपको इस तरह से हल्के से कर्व दे देना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बैक पार्ट रेडी है। अब हम इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। ये बैक पार्ट कट होने के बाद हमने अगेन जो है फ्रंट पार्ट के लिए डबल कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ इस तरह से आगे पार्ट के लिए, और उसके ऊपर हमने बैक पार्ट लगा दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको 4 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के रखना है। ये देखिए, यहाँ से कटिंग करना है, और जिस तरह से बैक पार्ट कटा हुआ बिल्कुल एज इट इज़ आपको कटिंग करके निकाल लेना है इस कपड़े को। अब ये कट होने के बाद इस पार्ट को आप इधर लेकर आ जाएँ, इस तरह से रखेंगे हम। अब हम जो है इसका फ्रंट पार्ट, जो नीचे वाला फ्रंट पार्ट है, इसका जो है हम ऊपर से पेटी कट करेंगे नेक वाली। तो इस तरह से आप इसको बराबर रख दीजिए, और पहले मार्क कर दीजिए जो आपने ये शोल्डर लिया था बैक का, बिल्कुल इतना ही शोल्डर आप इसका कट करेंगे। पहले आप मार्क कर लीजिए, देखिए ये शोल्डर आया, और इस शोल्डर को इस शोल्डर से आप मिला देंगे, देखिए फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से सबसे पहले आप जो है इसकी कटिंग कर लीजिए, देखिए इसको अलग निकाल लेना है। और अब आप ये बैक पार्ट हटा लीजिए, अब 8 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए 8 इंच पे आपने मार्क कर दिया, और ये वाला जो है मार्क हमने यहाँ पे 6 इंच पे किया है। तो एक मार्क 6 इंच पे हो गया, एक मार्क जो है 8 इंच पे हो गया। आप इन दोनों का हल्की सी गोलाई देके आप इस तरह से मिला लीजिए, और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा ऊपर पेटी का भाग रेडी हो जाएगा, और नीचे का घेरा हो गया। तो सबसे पहले आप जो बैक पार्ट था वो बिछा लीजिए, और उसके ऊपर जो हमने ये कट कर रखा है, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप बिल्कुल बराबर कर लीजिए कॉर्नर से, बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट भी, जो खुले पार्ट है ये बिल्कुल बराबर हो गए, या आर्म होल से आर्म होल मिल गया। ये जो एक्स्ट्रा 4 इंच था वो इधर छूटा हुआ है इस तरह से। और इसके ऊपर हमने जो पेटी कट किया हुआ है, ये पेटी को आप इस तरह से रखेंगे कि जो बैक पार्ट का शोल्डर है इससे बराबर मैच हो जाए। ये हमारा 4 इंच जो एक्स्ट्रा छूट रहा था वो अभी भी छूटा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इस तरह से मार्क कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमको इसको मार्क करना है, तो ये हमने पूरा इस तरह से मार्क कर दिया। देखिए, अब इस मार्क पे हमको कटिंग करना है, लेकिन इससे आधा इंच ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो है इन दोनों पार्ट को जब हम सिलेंगे तो ये आधा इंच कम हो जाएगा, तो बैक पार्ट से ये छोटा हो जाएगा। इसके लिए इसको हम आधा इंच इस तरह से बढ़ा कर निशान कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है हम इस पार्ट की, जो फ्रंट पार्ट है, इस पार्ट की हम बराबर से कटिंग कर लेंगे, तो ये इसको जोड़ने में परफेक्ट हो जाएगा, और ये बैक पार्ट है हमारा। अब स्लीव्स कट करने के लिए हमने इस कपड़े को 4th फोल्ड पे रखा हुआ है, और इसकी लेंथ हमने ली है 18 इंच। हमको 17 इंच की जो है स्लीव्स की लंबाई चाहिए इस तरह से, और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, देखिए हम बिल्कुल सिंपल तरीके से स्लीव्स कट कर लेंगे। तो ये जो आपने बैक पार्ट का शोल्डर कट किया था आर्म होल, उससे ये 1.5 इंच आपको बड़ा होना चाहिए, देखिए इस तरह से, जो 1.5 इंच है ये बड़ा होना चाहिए। यहाँ से जो है 2 इंच अंदर की तरफ आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से इनका बीच का सेंटर यहाँ पर निकाल लीजिए, बस यहाँ से यहाँ, और इस गोलाई को आप इस तरह से मिला दीजिए। तो ये हमने 5 से 5.5 इंच की चौड़ाई पर हमने इसको मार्क कर दिया इस तरह से, और बस अब आपको यहाँ से इसको मिला देना है। तो ये आपका स्लीव्स रेडी हो गया।
देखिए फ्रेंड्स, अब आपको फर्स्ट पार्ट की पेटी अटैच करने के लिए इस तरह से खोल के इस कपड़े को बिछा लेना है। नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पेटी है। पेटी का आपको बिल्कुल सेंटर लगाना है। देखिए हमने मार्क कर लिया है बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर, और इस कपड़े का भी आपको सेंटर निकाल लेना है और मार्क कर लेना है, और दोनों सेंटर को आपको सेंटर से मिला लेना है, देखिए इस तरह से। और अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कहाँ तक फिनिश होना चाहिए, यहाँ तक। ये इसका आर्म होल है, यहाँ तक फिनिश होना चाहिए, और ये वाला आर्म होल यहाँ तक फिनिश होना चाहिए। ये जो दिख रहा है इस तरह से हमने करके था, बस ये इस तरह से। और बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, इसे आप इसके प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स हम इस तरह से बनाने वाले हैं, इसके हम सिर्फ दो ही प्लेट बना देंगे। सेंटर वाला प्लेट हम इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दो दो इंच का एक प्लेट बन जाएगा। और इसको हमने कुछ इस तरह से मिला दिया, तो ये पूरा कंप्लीट इस तरह से प्लेट बन गया। और यहाँ पर आप इसको अटैच कर लीजिए, टाचनी लगा लीजिए या हैंड स्टिच कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको इस तरह से टर्न करेंगे। आपको ध्यान रखना सेंटर से सेंटर ही मिलना चाहिए। इस तरह से यहाँ से आप इसको सिलते हुए पूरा अटैच कर लेंगे। नेक की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को हमने वैसे वैसे डबल फोल्ड किया हुआ है, क्या ये देखिए, दो इंच की चौड़ाई पे मार्क किया। और यहाँ से लेंथ हमने लिया है, इसका क्रॉस में हमने लिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लिया हुआ है इसको 3 इंच। और एक बार फिर इसको क्रॉस में नीचे की तरफ हमने लिया हुआ है इस तरह से 6 इंच पे। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 इंच पे हमने ये निशान कर दिया। अभी 3 इंच वाले को तो हम बिल्कुल सर्कल, लेकिन हमने हल्का सा पत्ती का शेप दिया है, देखिए फ्रेंड। तो ये इस तरह से इसकी कटिंग होगी ऐसे, और फिर ये ऐसे यहाँ तक कटिंग करेंगे। आप फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, फ्रंट पार्ट पे रखेंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, बराबर। और बस इसके आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमको ये भी 2 इंच चाहिए। इसको भी क्रॉस में रखेंगे, और जो 5 इंच ये रहा तो आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ये हमने मार्क किया है। बस अब इसको बैक पार्ट को आप हटा दीजिए, और ये वाले मार्क से ये वाले मार्क पे आप जो है गोलाई में मार्किंग कर लीजिए इस, और आप इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़ा लिया, उसको आप इसे सीधा रखिए, और ये जो फ्रंट पार्ट है देखिए, इसको आप ऊंधा करके इस कपड़े पे रखेंगे। और ये जो अंदर का कपड़ा है ये इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 2-2 इंच। देखिए आप इसको आधा इंच छोड़कर पूरा इस तरह से जो है सिलाई कर देंगे, और फिर ये वाले पार्ट को आप कट कर देंगे, और फिर कट लगाकर जो है इसको आप टर्न कर देंगे। देखिए बैक पार्ट को भी हमने ऐसे रखा है, अंदर से हमने कपड़ा लिया हुआ इस तरह से जो, और बस इसको भी आप इस तरह से सिलाई करेंगे, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से सिलाई करते हुए। ये देखिए ये अलग अलग है, तो यहाँ से सिलाई करके यहाँ से रुककर आप फिर से इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे, और फिर ये वाला पार्ट कट कर देंगे, और यहाँ पर भी आप कट करके इस तरह से मार्क करके इसको टर्न कर देंगे। ये गले पे हमने पट्टी लगा ली है, अब इस तरह से इसको यहाँ पे कट करके और आप इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह बिल्कुल अंदर की तरफ, और फोल्ड करने के बाद आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये बैक पार्ट भी रेडी किया हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बैक पार्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको ये वाली लेस लेना है, और इस लेस को आपको यहाँ से थोड़ी दूरी से लगाना है। क्यों दूरी से लगाना है? क्योंकि यहाँ पर हम जो है ये वाली लेसिंग करेंगे, लेकिन पहले आपको ये लेस लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से जो है, कुछ इस तरह से इसकी प्लेट्स बनाइए फ्रेंड्स। प्लेट बनाने के बाद आप इसके ऊपर ऐसे लेस लगाए कि ये वाली लेस का पार्ट ऊपर से छुप जाए। तो ये इस तरह से लगाने से अंदर की लेस का पार्ट भी छुप गया, और ये बिल्कुल इसको कवर कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि प्लेट्स दिखाई देना चाहिए, जिस तरह से प्लेट दिख रहा है इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा नेक यहाँ तक। और उसके बाद ये जो जॉइंट है पेटी वाला पार्ट, इसके ऊपर भी सेम काम हमने करना है फ्रेंड्स। देखिए तो इस तरह से आप यहाँ पर भी लेस लगाएंगे, और यही वाली लेस इसके ऊपर अटैच कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लेस का अंदर वाली लेस का पार्ट है वो दिखाई ना दे, उसके ऊपर इसको अटैच करना है, और ये बिल्कुल पेटी के ऊपर ही लगना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी लेस पूरी यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम ये दोनों पार्ट को, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को एक के ऊपर एक रख के अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लेसिंग कर लिया है, अब इसमें स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स में भी हम जो है यहाँ पर सेम ऐसी लेसिंग कर लेंगे, और यहाँ से हम पट्टी फोल्ड करके आसपास से जो है सिलाई कर लेंगे।
अब आपको इस टॉप को ऊंधा रख लेना है पूरा कंप्लीट होने के बाद, और इस तरह ऊपर से जो है 11 इंच की लंबाई पे आपको यहाँ पे मार्क करना है, लेकिन बिल्कुल सेंटर में मार्क करिए इस तरह से, और इस सेंटर के मार्क से 2 इंच इधर की तरफ और 2 इंच उधर की तरफ भी मार्क कर लीजिए। अब इन दोनों मार्क को आप इस तरह से पकड़ लीजिए और यहाँ पर जो है एक सुई धागे की मदद से इसको इस तरह से टाँग दीजिए, अच्छे मजबूती से टाँगिए कि खुले नहीं। जैसे टाँगा लगाने के बाद जो है आप बटरफ्लाई बना लीजिए। हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बटरफ्लाई बनाना बताए हैं, आप ज़रूर देखिए हमारी वो वीडियो, और इसको यहीं पर इस तरह से रख के अच्छे से अटैच कर दीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर बैक पार्ट भी सुंदर लगेगा और यहाँ से जो है बैग की फिटिंग भी बहुत अच्छी बैठ जाएगी। और यहाँ पर जो है हमने इस तरफ से जो हुक लगाया हुआ है और यहाँ पर एक पट्टी लगाई हुई है डबल फोल्ड करके, और उसी के ऊपर हमने जो है आई बना दिया है ताकि ये इस तरह से पैक हो जाए। इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने छोटी बटरफ्लाई बनाई है और जो हुक वाला पार्ट है सिर्फ उसी के ऊपर हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे तब, ताकि जब ये हुक लग जाए तो इस तरह से शो हो। पजामे की जो है कटिंग हमने कुछ इस तरह से करी है फ्रेंड्स। ये जो हमने 4 फोल्ड पे कपड़ा लिया हुआ इस तरह से, और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है 11.5 इस तरह से लिया है, और यहाँ ऊपर से हमने 2 इंच जो है एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ ऊपर बेल्ट के लिए। हमको टोटल लेंथ जो है पजामे की चाहिए 31, तो हमने 31 में एक्स्ट्रा जो है हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया, तो टोटल ये इसकी इस तरह से पूरी लंबाई हो गई। और यहाँ से जो है हम इस तरह से, ये तो ऊपर बेल्ट में चला जाएगा, तो यहाँ से हमने जो है 13 इंच जो है आसन लिया हुआ है इस तरह से, 13 इंच पे हमने मार्क किया है, और बस यहीं। और यहाँ से जो है जो मोरी की चौड़ाई होती है वो हमने ले ली है तकरीबन 8 इंच। हम एकदम लूज नाइट ड्रेस के हिसाब से पजामा सिल रहे हैं, बिल्कुल फिटिंग नहीं होगा ये। और बस अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको इसको मिला देना है, बस एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे हम। देखिए पजामा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरह से, और हमने काफ़ी सारी वीडियो में पजामे को डिटेल से कटिंग और सिलाई करना बताया है और इलास्टिक लगाना भी बताया, आप ज़रूर से वो वीडियो देखिए। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा नाइट ड्रेस है बनकर एकदम रेडी है, और पहनने पे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इस तरह से देखिए। और ये इसका बैग जो हमने रेडी किया है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और यहाँ से फिटिंग भी बहुत अच्छी बैठी है, और इसमें घेर भी बहुत अच्छा है देखिए फ्रेंड्स, इसमें घेर भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अगर आपको हमारा वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।